समझने की कोशिश करेगा। हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन देता है वर्क एंड टाइम बेस्ड, वर्क एंड टाइम। अभी जो हम कर रहे थे वो स्पीड डिस्टेंस टाइम पे क्वेश्चन था, नाउ हमारे पास है वर्क एंड टाइम बेस्ड। अब जरा देखिए वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, दो चीजें हैं हमारे पास। एक तो हमसे अगर ये कह दे कभी भी कि ए कैन डू ए वर्क, सब बच्चे प्लीज ध्यान से, और अगर किसी को भी गलती से भी एमबीए का एग्जाम देना, आईआईएम वगैरह का लॉ का एग्जाम देना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ एग्जाम्स में आएंगे, एज वाले क्वेश्चंस, एरिया वाले क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। ए कैन डू ए वर्क, मैं आपसे कह रहा हूँ इन 10 डेज। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है वन वर्क, और हम वन वर्क ए फिनिश कर रहा है 10 डेज। एक्चुअली वर्क एंड टाइम में दो ही चीजें मिलती है, एक होता है वर्क और एक होता है डेज। प्लीज आप सब बच्चे ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूं वन वर्क, तो हाउ मेनी डेज, 10 डेज। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब मैं अगर आपसे सब बच्चों से पूछूं व्हाट इज वन डे वर्क, 1/10। सब बच्चे हमने क्या कहा है कि 10 डेज में वो पूरा काम फिनिश करता है, 10 डेज में, इन 10 डेज वन वर्क। तो इन वन डे हाउ मेनी वर्क, 1/10। हाँ भाई सब बच्चों को समझ में आ रहा है, सलमान जो कह रहे हैं 1/10। अगर कंप्लीट काम बेटे 10 दिन में होगा, ये इस तरह से 10 दिन में होगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, 10th डे द वर्क इज डन। तो इसका मतलब एक दिन में बेटे 1/10 होगा, यस और नो, सब बच्चे बताओ। Yes, sir. Only the 10th part. So they are reciprocal to each other. अगर आपको वन वर्क का डेज बताया है तो वन डे का वर्क उसका रेसिप्रोकल होगा। सेम इसका अपोजिट करूं मैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन में, अगर मैं आपसे कहूं ए 1/2 वर्क फिनिश इन वन डे, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 2। जस्ट रेसिप्रोकल। अगर हाफ वर्क आप एक दिन में करो तो सीधी बात है फुल वर्क आप 2 डेज में करोगे। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आपको एक दिन का काम पता है तो आप फुल वर्क निकाल सकते हो, और फुल वर्क का काम पता, टाइम पता है तो आप उसका एक दिन का निकाल सकते हो। एक तो चीज ये है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरी चीज हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है ये, और यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ए फिनिश ए जॉब इन 2 डेज एंड बी फिनिश द सेम जॉब इन 3 डेज। क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज। कौन बताएगा भाई, अगर ए किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, बी सेम काम को 3 दिन में कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिलके उसी काम को टुगेदर 5 डेज। 5 डेज, वेरी गुड। हाँ भाई कोई और बच्चा, 1.5। 1.5 डेज। और कोई बच्चा, 1 डे। 1 डे, वेरी गुड। और कोई बच्चा, एक्चुअली क्या है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन लेकिन जो दिमाग वाला, जो बिल्कुल सीधा सा अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास यही आंसर आता है 5 डेज। कि भाई एक 2 दिन में कर रहा है, दूसरा 3 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके 5 दिन, वैसे एकदम से जो फ्लो में हम कहते हैं। बट खुद सोचो अगर ए अकेला उसे 2 दिन में कर सकता है, तो जब किसी का सपोर्ट मिलेगा तो उससे कम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा, कम लगेगा ऑब्वियसली बात है। तो 5 तो हो ही नहीं सकता, तो गलत से आ गया, तो फिर कहाँ गलती हुई हमारे पैसे, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बैठ के बातें करने लगेंगे। तो यहाँ होता क्या है, इसको हम ऐसे नहीं करते, इनको हम ऐड जो करेंगे वो वन डे में करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि भाई ए जो है किसी वर्क को, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, 2 डेज में करता है, इसका मतलब उसने एक दिन में आधा काम किया, और बी जो है उसी वर्क को 3 डेज में करता है, तो बी ने एक दिन में 1/3 काम किया,
अब अगर दोनों को हम एक साथ अप्लाई कर रहे हैं कि दोनों के दोनों आप साथ मिल के काम करो, तो एकदम से तो सारा काम नहीं खत्म करेंगे। काम कैसे किया होगा उन्होंने कि भाई पहले दिन काम किया होगा, ए ने 1/2 फिनिश कर दिया होगा और बी ने जो है वो 1/3 फिनिश कर दिया होगा। तो हम उनके वन डे वर्क को ऐड करेंगे कि भाई पहले दिन में कितना काम हो गया। और अगर हमें वन डे वर्क पता होता है तो उसका रेसिप्रोकल फुल वर्क होता है, यस और नो? यस सर। तो हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं, वन डे वर्क ऑफ ए। अच्छा, वन डे कैसे मिला, वो भी फुल वर्क से मिला। ए का फुल वर्क था 2 days, तो 1/2। बी का फुल वर्क था 3 days, तो 1/3। तो इस तरह से हमें मिलता है। तो हम हमेशा रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे, वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ बी, वन डे वर्क ऑफ बोथ। वन डे वर्क को ऐड कर सकते हैं, 1/2 + 1/3। आप देखेंगे 3 × 2 = 6, 3 + 2 = 5/6। तो अगर आपके पास वन डे वर्क है तो आप वन वर्क निकाल सकते हो, क्या करके, रेसिप्रोकल पर। रेसिप्रोकल, दैट इज द वे टू सॉल्व द वर्क एंड टाइम क्वेश्चन। और ये भी दोनों चैप्टर में है, अगर आपने एक कर लिया तो दूसरा अपने आप कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो ये हम करेंगे वन वर्क, वन डे वर्क निकाल के। देखो अभी एक क्वेश्चन है सिर्फ आपके पास लीनियर इक्वेशन में, और एक ही क्वेश्चन है आपके पास क्वाड इक्वेशन चैप्टर। पहले रफ इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको इंशाल्लाह फाइनल। ये देखिए बेटे, बहुत सिंपल इक्वेशन तो डायरेक्ट बन जाती है, अगर अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इक्वेशन डायरेक्ट बनेगी बेटे। सब बच्चे ध्यान से, मैं सीधा सीधा सा लिख रहा हूँ, 2 women एंड दिया है बेटे, एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो मैं पहले इसको ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ, अभी ये गलत है लेकिन लिख रहा हूँ, 2 women and 5 men फिनिश ए वर्क इन 4 days। ये मेरी पहली इक्वेशन है, रॉन्ग इक्वेशन है, सिर्फ मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ इसमें से इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड, वाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। तो हमारे पास क्या है, 3 women and 6 men फिनिश द सेम वर्क इन 3 days। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी हम ऐसे नहीं करें, आपसे कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone। ठीक है, 1 woman alone कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, एंड ऑल्सो द टाइम टेकन बाय 1 man alone। ये हमसे कह रहा है ये क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। लेट सर, ये तो एक्स और वाई लेकर भी हो सकता है, एक्स और वाई में करेंगे अभी, तेरा फाइन। हमने तो आपसे कहा दोनों इक्वेशन रॉन्ग है, ये तो इक्वेशन ही रॉन्ग है, तो सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखा है कि जिससे मुझे पढ़ने में वहाँ वर्ड्स की जरूरत ना पड़े। 2 women and 5 men फिनिश ए जॉब इन 4 days एंड 3 women and 6 men फिनिश ए जॉब इन 3 days। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करें। लेट 1 woman alone कैन फिनिश ए जॉब in x days and 1 man alone can finish a job in, चलिए पहले इसको यहीं से लिख लेते हैं। मैं यहां क्या लिख रहा हूं, और वन डे वर्क कितना होगा 1/x। ध्यान रखना, 1 man can do the same job y days, 1 day work of 1 man is 1/y। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, केस 1। ध्यान से देख लीजिए, आपसे कह रहा था 2 women and
five men. Finish a work in 4 days. But question हमारा क्योंकि add हो रहा है man woman का, complete work को हम add नहीं कर सकते. तो यहाँ देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ. So one day work of them. हाँ भाई, one woman का one day work कितना है? One upon x. Two woman का कितना होगा? Two upon x. Yes, very good. Two upon x. One man का one day work कितना है? One upon y. And five man का कितना होगा? Five upon y. Yes, five upon y. ये है हमारी right equation. अच्छा, सारे मिलके चार दिन में अपना काम पूरा करते हैं. They finish in 4 days. Total work. तो one day में कितना work करेंगे? जितने भी लोग हैं बेटे, man and woman together finish a job in 4 days. तो one day work of them. 4 days में तो आपका पूरा काम finish हो रहा है ना बेटे? One upon four. Yes, very good. 4 days में आपका सारे मिलके काम finish कर रहे हैं. तो एक दिन में बेटे 1/4 करें, इज इक्वल्स टू 1/4. तो ये इक्वेशन बनी. वन वुमेन वर्क इज 1/x, तो टू वुमेन इज 2/x. वन मैन वर्क इज 1/y, तो फाइव मैन वर्क इज 5/y. टोटल वर्क दे फिनिश इन 4 days, तो वन डे वर्क इज 1/4. सब बच्चे बताइए प्लीज, थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? इक्वेशन जो है बेटे, बस जो हमने पहले लिखा था उसको अपोन में समझ लीजिए. जो हमारी इक्वेशन है, टू वुमेन तो 2/woman, फाइव मैन 5/man इज इक्वल टू 4 days, 1/4. तो इक्वेशन ओरिजिनली जो हमारी जा रही है वो रेसिप्रोकल में जा रही है. अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3. ये हमारे पास आया इज टू 3 women and 6 men finish in 3 days. So 1 day work of them. 3/x, 6/y is equals to 1/3. इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आप सब बच्चे या नहीं? यस सर, कर लेंगे. ठीक है भाई, यहाँ पे भी 1/x को कुछ नहीं सपोज करना है. आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आपके पास क्या आएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 and 3/4. और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 and 2/3. तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो आपके पास 6/x कैंसिल एंड 15 − 12 3/y, 3/4 माइनस 2/3, तो 3 × 3 = 9 माइनस 8 अपॉन 12 कितना आ गया, 3/y इज इक्वल्स टू 1/12. तो 12 × 3 = 36, तो y इज इक्वल्स टू 36. तो वन मैन अलोन कैन डू द वर्क इन 36 days. ये मत पसा है, 36 को आप किसी में भी 1 में 2 में रखेंगे तो आ जाएगा. 14 × 2 कर देते हैं, 14 × 2 = 3/x, 6/y इज इक्वल्स टू 3, तो 6/36 हो जाएगा 6. तो आपके पास क्या आएगा, 3/x एंड 3 − 1/6, 17/6. ये पास सर 1/3 है, वो 3 नहीं है. 1/3 होगा, 12 आप 6 भी ले सकते हैं. तो 3 × 2 = 3/y, कितना आया 1/6. तो 3/x
into 1 by 6. 6 3 जा 18. X is equals to 18. तो आप क्या करेंगे? 1 women alone can do it in 18 days. And one man in 36 days. Sir, ये था आपका chapter. अब बताइए किसी भी बच्चे को कोई question हो तो मुझसे पूछिए. जी सर, chapter 3 में कोई और questions किसी भी बच्चे को? अच्छा, कल मैंने आप लोगों को भेजा था कि कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है.